हेलो एंड नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट और जिसमें से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस टॉपिक। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो तीन फेज में होती है, जिसमें थ्री फेजेस रहते हैं। ठीक है बेटा, ये जो कंप्लीट साइकिल है, साइकिल किसे बोलते हैं बेटा, जहां से स्टार्ट किया वहीं आप आके खत्म हो जाए उसे हम साइकिल बोलते हैं। ठीक है, रिपीटेटिव जो स्टेजेस रहते हैं उसे हम साइकिल बोलते हैं। ठीक है, जैसा सेल साइकिल है उसमें भी कई सारे फेसेस है। ठीक है, इंटर फेज, एम फेज, G1S, G2N, एम फेज, वो वाली जो सेल साइकिल है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक साइकिल है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है बेटा इतना? और ये जो साइकिल है इसमें भी थ्री फेज इन्वॉल्व है। कितने बेटा? थ्री फेजेस। ठीक है, फर्स्ट फेज दैट इज ब्लीडिंग फेज और यू कैन से मेंस्ट्रुएशन फेज। ये सारे टर्म आपको आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तब इसमें से किसी भी टर्म का वो लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि ब्लीडिंग फेज क्या है, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं कि मेंस्ट्रुएशन फेज क्या है, फिर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर पाओगे। सो आपको ये सारे टर्म याद रखने हैं। ठीक है बेटा, जो फर्स्ट फेज है दैट इज ब्लीडिंग फेज और यू कैन से मेंस्ट्रुएशन फेज, एंड द सेकेंड फेज दैट इज प्री ओव्यूलेटरी, प्रोलिफरेटिव, फोलिक्यूलर एंड इस्ट्रोजेनिक फेज, एंड द लास्ट फेज दैट इज सिक्रेटरी, पोस्ट ओव्यूलेटरी, ल्यूटियल, प्रोजेस्टेरोनिक फेज। ठीक है बेटा, और ये सारे फेज को तभी आप समझ सकते हो जब आपको वो वाली लेक्चर आती है जिसमें मैंने स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी और सारी फोलिक्यूल्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, वो सारी सीक्वेंस आपको क्लियर होनी चाहिए माइंड में, तभी आप ये सारे फेजेस अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, कि उसमें मैंने आपको बताया था प्राइमोडियल, देन प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी, देन ग्राफियन फोलिकल जो कि है मेच्योर टर्शरी फोलिकल, फिर उसका रप्चर हो जाता है, फिर उसमें से कॉर्पस ल्यूटियम एंड देन कॉर्पस अल्बिकांस। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्यों कॉर्पस अल्बिकांस बोला, क्योंकि कॉर्पस अल्बिकांस तभी फॉर्म होता है जब फर्टिलाइजेशन की इवेंट ना हो। ठीक है बेटा, और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या है बेटा, कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म की एंट्री नहीं हुई, तभी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया देन कॉर्पस ल्यूटियम विल सर्वाइव एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल विल नॉट अकर। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम का रप्चर नहीं होगा, वो सर्वाइव कर जाएगा टिल द प्रोसेस ऑफ पार्ट्यूरिशन। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ उसमें होती है जिसमें प्रेगनेंसी की इवेंट नहीं होती। और दूसरी बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है तब कंप्लीट जो ओवम का जो फॉर्मेशन है वो नहीं होता, यानी कि सेकेंडरी ऊ साइट कंप्लीट ऊ जीनेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाती। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी ऊ साइट रिलीज हो जाएगा, फिर उसमें आगे जो आगे की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब स्पर्म की एंट्री होती है तभी वो अरेस्ट में से बाहर निकलता है, मेटाफेज का जो अरेस्ट रहता है। ठीक है, वो सारी बातें हमने अगली वाली लेक्चर में कर ली है ऑलरेडी। ठीक है, अगर नहीं याद सो पहले वो लेक्चर जाके देख लो। ठीक है, अभी ये जो तीन फेजेस मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, ये आप ये जो साइकिल मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है उसमें आप अच्छे से समझ सकते हो। ए यानी कि फर्स्ट फेज दैट इज ब्लीडिंग फेज, ठीक है, वो कितने डेज तक रहता है, 1 to 5 days। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए लिखा है, ये ए क्या डिनोट करता है आपको, ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज। ये कितने दिन तक रहता है बेटा, 1 से 5 days तक। ठीक है, 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग फेज रहता है, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हो
आपको याद रखना है बेटा द फर्स्ट फेज दैट इज ब्लीडिंग फेज। क्लियर है बेटा इतना? ओके सो ये 1 से 5 दिन तक रहता है। जो सबसे छोटा जो फेज है दैट इज फर्स्ट फेज, ठीक है, 1 से 5 दिन तक यहाँ पे मैंने दिखाया है। नाउ द सेकेंड फेज दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज, और यू कैन यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स, ठीक है। सो दी यहाँ पे मैंने बी लिखा है, इट डिनोट्स द सेकेंड फेज जो कि 5th डे से स्टार्ट करके 14th डे तक रहता है, ठीक है। ये जो पोर्शन है वो प्रोलिफरेटिव फेज को दिखाता है इतना, ठीक है बेटा। एंड द लास्ट फेज दैट इज सी फेज, यानी कि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, और यू कैन से सेक्रेटरी फेज, जो कि 14th डे के बाद स्टार्ट होके यानी कि अराउंड 15th डे से 28th डे तक रहता है, ठीक है। फिर जो नई साइकिल है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है, इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। क्लियर है बेटा इतना? ओके और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो नया सेकेंडरी ओसाइट आता है जिसे हम ओवम बोलते हैं, ठीक है, वो बारी बारी करके एक एक ओवरी से आता है, ठीक है। सपोज आप देख लो कि ये जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये यहां से स्टार्ट करके यहां तक खत्म किया, सो इसमें जो एग जो मेंस्ट्रुअल फ्लो में बाहर आया वो सपोज लेफ्ट ओवरी में से निकला था। क्लियर है बेटा इतना? सो जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी उसमें जो एग आएगा वो कहां से आएगा बेटा? राइट साइड की ओवरी से आएगा, ठीक है। सो वन बाय वन दोनों ओवरी में से एक एक एग जो कि रिलीज होते हैं और ओविडक्ट में आते हैं, ठीक है। सो एट अ टाइम यानी कि इन वन मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली वन एग विल रिलीज फ्रॉम ईच ऑफ दी ओवरी, यानी कि किसी भी ओवरी में से लेफ्ट में आया देन नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में राइट ओवरी में से वो एग रिलीज होगा। क्लियर है बेटा इतना? सो इस तरीके से आपको याद रखनी है ये तीनों फेज और मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेज मैंने यहाँ पे ड्रॉ की उसमें कौन सी इवेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि कितनी फेज रहती है, लेकिन ये फेज में इवेंट्स क्या होती है, ठीक है। सपोज आप मुझे पूछ रहे हो कि ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, देन प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है ओवरी में, एग के साथ क्या होता है, यूटेराइन वॉल के साथ क्या होता है, हॉर्मोनल चेंजेस कौन से रहते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको नीट में पूछेंगे, ठीक है। सो सिर्फ ये याद रखने से काफी नहीं है, अभी हमें डिटेल में पढ़ना है बेटा कि ये जो फर्स्ट फेज है उसमें क्या होता है, हमारी जो पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन से चेंजेस आते हैं, हॉर्मोनल कौन से चेंजेस आते हैं, ठीक है। सो वन बाय वन हम जो सारी फेज है उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट फेज दैट इज द ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज, कि उसमें कौन सी इवेंट्स परफॉर्म होती है, कौन सी इवेंट्स रहती है, ठीक है। ठीक है आप यहाँ पे देख लो कि मैंने ब्लीडिंग फेज लिख के रखा है, ठीक है, और वो कितने दिन का है बेटा, कितने दिन तक रहता है, 4 to 5 days, जो कि हमने अभी जो आगे वाली जो सर्कल जैसी मैंने छोटी सी फिगर बना के रखी थी उसमें हमने देखा, ठीक है। और ये जो फेज है उसमें होता क्या है बेटा एक्चुअली, कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है दैट इज सेकेंडरी ओसाइट एंड दी यूटेराइन वॉल जो कि एंडोमेट्रियम की जो इनर लेयर रहती है, वो सारी अनफर्टिलाइज्ड एग एंड जो वो सारी लेयर्स है वो वजाइना के थ्रू बाहर निकल के आ जाती है, ठीक है। और ये जो फेस है उसमें 40 to 80 ml जितना ब्लड रिलीज हो जाता है फ्रॉम द फीमेल बॉडी। और यहाँ पे आप देख लो मैंने लिख के रखा है कि इनिशियल एंड द टर्मिनल फेज, ये जो ब्लीडिंग फेज रहता है उसमें भी दो पार्ट्स दिए हैं, वन इज इनिशियल एंड सेकेंड इज टर्मिनल, यानी कि ये जो ब्लीडिंग फेज जब स्टार्ट होगा उसके जो इनिशियल 2 से 3 दिन जो रहेंगे उसको इनिशियल फेज बोलेंगे, और जो बाकी के जो डेज है उसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल फेज,
ठीक है बेटा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम जो आइडियल कंडीशन रहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो लेके चल रहे हैं कि वो 28 डेज तक रहती है, जिसमें 3 फेजेस है, जो कि जो फर्स्ट फेज है वो 4 to 5 डेज तक रहता है, लेकिन वो फीमेल टू फीमेल वेरी करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। किसी में ऐसा फिक्स नहीं है कि चलो 28 डेज तक ही हो, ठीक है। ये आइडियल कंडीशन लेके हम सारी जो बातें हैं वो कर रहे हैं। ओके बेटा, सो यहाँ पे आप देख लो कि इनिशियल जो फेज एंड द टर्मिनल फेज है उसमें हमको 3 बातें देखनी है और 3 बातों पे फोकस करना है। तो फर्स्ट थिंग दैट इज हार्मोनल चेंजेस, सेकेंड दैट इज ओवेरियन चेंजेस एंड द यूटेराइन चेंज। 3 बातों में से क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं बोलो कि हार्मोनल चेंजेस कैसे कैसे होते हैं ये वाली जो फेज है उसमें, देन ओवरी में कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, यूटेराइन की जो वॉल है उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हार्मोनल चेंजेस है उसमें क्या होता है बेटा कि ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज जो इनिशियल जो टाइम है उसमें गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन, जो कि हमने अगली वाली लेक्चर में ही पढ़ा, कहाँ से रिलीज होता है बेटा, हाइपोथैलेमस में से, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन, फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे जो हॉर्मोन्स है इसका जो लेवल है बॉडी में वो कैसा हो जाता है बेटा, लो हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द ब्लीडिंग फेज। क्या होता है बेटा कि ये जो सारे हॉर्मोन्स है रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि उसको सिग्नल देते हैं, ये सारे हॉर्मोन का लेवल क्या हो जाता है बेटा, डाउन हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, डाउन हो गया, क्लियर है बेटा इतना, ओके। अभी ओवरी में कैसे चेंजेस आए, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस अल्बिकांस। आपको याद है बेटा ग्राफियन फोलिकल में से ओवम जो है वो रिलीज हो जाता है, मैंने आपको बताया था, फिर जो ग्राफियन फोलिकल है वो कॉर्पस हिमोरेगियम में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसमें से कॉर्पस ल्यूटियम जिसे हम येलो बॉडी भी बोलते हैं उसका फॉर्मेशन हो जाता है, फिर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो 9 डेज तक सर्वाइव करता है टू दी 23rd डे। याद है बेटा आपको, 9 डेज तक ये कॉर्पस ल्यूटियम सर्वाइव करता है, फिर उसका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ देन कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाता है और उसमें से व्हाइट बॉडी का फॉर्मेशन होता है जिसे कॉर्पस अल्बिकांस बोलते हैं। ये इवेंट आपको याद है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। अभी यहाँ पे ये जो ब्लीडिंग फेज है उसमें ओवेरी में क्या प्रेजेंट रहता है, कॉर्पस अल्बिकांस, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो गया है और कॉर्पस अल्बिकांस का फॉर्मेशन हो गया है, यानी कि अभी ओवेरियन चेंज में क्या होगा, ब्लीडिंग फेज में जो कॉर्पस अल्बिकांस है वो धीरे 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 करके वो भी डीजनरेट हो जाएगा कंप्लीट, और फिर ये जो कॉर्पस अल्बिकांस है वो गायब हो जाएगा क्योंकि ये डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली। सो इनिशियल फेज में कॉर्पस अल्बिकांस जो है जिसे हम क्या बोलते हैं, डीजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम और व्हाइट बॉडी, वो भी धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है बिकॉज ऑफ डीजनरेशन, क्लियर है बेटा इतना, ठीक है। सो ओवरी में क्या हुआ वो आपको मालूम होगा इनिशियल फेज में, ठीक है, कॉर्पस अल्बिकांस धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। अभी यूटरस में क्या हो रहा है बेटा, ठीक है, सो यूटेराइन चेंजेस क्या हो रहे हैं बेटा, सेक्स हॉर्मोन जो कि डिक्रीज हो गए, जो कि हमने अभी बात की, सारे जो सेक्स हॉर्मोन है और उसको स्टिम्युलेट करने वाले जो हॉर्मोन है वो उसका जो अमाउंट है वो डाउन हो गया है अभी, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या हुआ, रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। अभी प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हॉर्मोन लाइक सब्सटेंस है और हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है और इसका जो फंक्शन है वो कंप्लीट बॉडी में कई सारे फंक्शन है इसका, इसके ऐसा नहीं है कि चलो
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रिलेटेड इसके फंक्शंस है। ऐसा नहीं है बेटा, ये इम्यून सिस्टम में भी अपना फंक्शन शो करता है, वेरियस फंक्शंस, डाइवर्स फंक्शंस, ठीक है। इसके कई सारे फंक्शंस है हमारे बॉडी में, ठीक है। सो यहाँ पे इसका क्या फंक्शन है, प्रोस्टाग्लैंडिन का, सेक्स हॉर्मोन रिलीज हो गए तभी प्रोस्टाग्लैंडिन का जो रिलीज है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन अपनी कौन सी इफेक्ट शो करता है, द फर्स्ट इफेक्ट इज वासो कंस्ट्रिक्शन दैट लीड टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू एंडोमेट्रियल टिश्यू, दैट इज स्ट्रेटम फंक्शनलिस, उसका दूसरा टर्म है। क्या हुआ बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है। इसका लेवल डाउन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ गया। प्रोस्टाग्लैंडिन ने जाके जो एंडोमेट्रियम की जो डेड वॉल थी, टिश्यू एंडोमेट्रियम थी ना, वो अभी डेड हो गई क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। सो उसकी जो एंडोमेट्रियम की जो टिश्यू थी, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस, जो कि डेड एंडोमेट्रियम जो है, ठीक है, वहां पे जाके इसने क्या किया, उसको जो ब्लड सप्लाई कर रही थी आर्टरी, उसे कैसा कर दिया बेटा, उसका डायमीटर कम कर दिया, ठीक है। अभी हमारे लिए एंडोमेट्रियम का कुछ काम है नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ होता तो हमारे लिए एंडोमेट्रियम इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इम्प्लांटेशन कहाँ पे हो रहा है बेटा, एंडोमेट्रियम पे हो रहा है, ठीक है। अभी एंडोमेट्रियम का तो कुछ काम ही नहीं है, हमें डेड हो गया है वो। सो अभी हमें उसे ब्लड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आपको मालूम है, अगर आपको किसी से काम हो फिर आप क्या करोगे बेटा, उसको जाके उसको हेल्प करोगे, ठीक है, फिर उसका काम नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। फिर यहाँ पे क्या किया कि एंडोमेट्रियम अभी हमारे कुछ काम का नहीं, फिर उसके पीछे ब्लड देने का क्या काम, उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन ने क्या किया, उसने जो ब्लड की जो सप्लाई थी एंडोमेट्रियम को, जो आर्टरी थी जो कि ब्लड दे रही थी एंडोमेट्रियम को, उसे जाके कंस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि उसका जो डायमीटर था वो डिक्रीज कर दिया। अभी क्या होगा बेटा कि एंडोमेट्रियम को जो ब्लड मिल रहा था उसकी जो सप्लाई थी वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आर्टरी का डायमीटर कम हो गया, ठीक है। अभी इतनी बड़ी पाइप हो सो उसमें से ज्यादा पानी जाएगा, लेकिन छोटी सी पाइप हो तो उसमें से कम पानी निकलेगा ना, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे होगा कि आर्टरी का डायमीटर कम है, यानी कि अभी थोड़ा सा ही ब्लड एंडोमेट्रियम पे जाएगा, ठीक है। सो उसकी टेम्पररी जो ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम कर दी गई, किसने की बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन ने, ठीक है। और दूसरा क्या किया बेटा, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या है बेटा, सेकेंड वॉल है, सबसे जो इनर वाली वॉल थी वो क्या थी, एंडोमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम, देन पेरिमेट्रियम, ऐसा है ना, ठीक है। सो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मायोमेट्रियम यानी कि जो सेकेंड वाली जो मिडल लेयर थी उसका कॉन्ट्रेक्शन होने लगा। अभी उसके कॉन्ट्रेक्शन से क्या होगा बेटा कि उसके ऊपर वाली जो यहाँ इनर वाली जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल थी वो कैसी हो जाएगी, वहां से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। सो एंडोमेट्रियम की जो डेड वॉल थी वो मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रेक्शन से वहां से रिमूव हो जाएगी, और सेकेंडरी ऊ साइड के साथ साथ ये जो डेड एंडोमेट्रियम की जो वॉल होगी वो भी वजाइना के थ्रू रिलीज हो जाएगी, ठीक है। कई सारी जो फीमेल है उसमें आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइट, ये जो ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुएशन के जो फेज के टाइम पे उसको ज्यादा पेन रहता है, क्यों, क्योंकि कई सारी जो फीमेल जो है उसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से मायोमेट्रियम जो है, और ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होने की वजह से ये जो मायोमेट्रियम की जो वॉल है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन कर रही होती है, जिससे क्या होता है बेटा, ज्यादा पेन
हाँ, वो जो फीमेल है वो फील कर रही होती है, ठीक है, नॉर्मल पेन रहता है, लेकिन कई सारी जो फीमेल है उसमें ये ज्यादातर देखा गया है कि उसको ज्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। सो ये बात हमने की यूटेराइन चेंजेस की। दो बातें आपको याद रखनी है, वो वासो कंस्ट्रिक्शन कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन आके, और दूसरी जो बात है दैट इज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मायोमेट्रियम, ठीक है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, बहुत इजी है बेटा। सो अभी जो टर्मिनल फेज होगा ब्लीडिंग फेज का, उसमें क्या होगा बेटा, स्टार्टिंग के फेज में ऐसी इवेंट्स हो रही है, क्लियर है बेटा इतना। अभी जो टर्मिनल फेज है उसमें क्या होगा, हॉर्मोनल चेंजेस हो गए, ठीक है। इनिशियल फेज में क्या था बेटा, ये सारे सेक्स हॉर्मोन लो अमाउंट में प्रेजेंट थे। अभी क्या होगा बेटा, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कम लेवल था इनिशियल फेज में, और वो जाके सिग्नल पास करेगा हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा लेवल डाउन हो गया है, ठीक है। अभी इन दोनों ने सिग्नल पास किया हाइपोथैलेमस को एंड एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिससे क्या होगा बेटा कि यहाँ पे हॉर्मोन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों ने सिग्नल पास किया। अभी आपको सिग्नलिंग के पाथवे अच्छे से मालूम है, इसीलिए हमने वो जो फीडबैक मैकेनिज्म हमने पहले ले ली, ताकि अभी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। सो इन दोनों ने सिग्नल पास किया, जिसकी वजह से ये जो हॉर्मोन्स थे सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है, हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन थे, पिट्यूटरी के जो हॉर्मोन थे, उसका लेवल बढ़ गया, ठीक है। अभी हॉर्मोन का लेवल बढ़ा यानी कि फिर से चेंजेस हो जाएंगे ओवरी में और यूटेरस में, ठीक है। सारे जो चेंजेस हो रहे हैं बेटा वो कैसे हो रहे हैं बेटा, हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से तो हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बढ़ गए फिर से हॉर्मोन, अभी क्या होगा, स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा, क्या होगा बेटा, कॉर्पस अल्बिकान्स तो डिसअपियर हो गया, ठीक है, लेकिन वहां पे जो प्राइमोडियल फोलिकल्स थी, जो कि कंटिन्यू प्राइमरी फोलिकल्स में डेवलप तो हो रही थी, ठीक है। सो ये अभी जो प्राइमरी फोलिकल्स जो कि वहां पे थी, वो अभी सेकेंडरी फोलिकल बनाना स्टार्ट कर देगी, प्राइमरी में से सेकेंडरी फोलिकल बन जाएगी धीरे धीरे करके, टर्मिनल जो स्टेज है उसमें, क्लियर है बेटा इतना। प्राइमरी फोलिकल जो की थी वो धीरे धीरे स्टिम्यूलेट हो जाएगी, और उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। किस तरीके के चेंजेस आएंगे वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, आपके दिमाग में है ही, मुझे मालूम है, ठीक है। सो जो प्राइमरी फोलिकल्स है वो धीरे धीरे करके सेकेंडरी फोलिकल में डेवलप हो जाएगी, ठीक है। कौन से फेज में बेटा, टर्मिनल फेज में, क्लियर है बेटा इतना, ओके। सो ये चेंज ओवरी में होगा कि प्राइमरी फोलिकल चलो सेकेंडरी फोलिकल में डेवलप हो गई। अब यूटरस में कौन से चेंज आएंगे बेटा, आपने देखा कि इनिशियल फेज में कंटिन्यू ऐसी कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा एंडोमेट्रियम और जो दूसरी चीज है वो वजाइनल फ्लो में चली जाए, ठीक है। सो इन द इनिशियल फेज ऑफ ब्लीडिंग फेज, जो जो ब्लीडिंग की जो क्या बोलते हैं, सो जो ब्लड जो बाहर निकलता है उसका जो फ्लो है वो ज्यादा रहेगा, लेकिन टर्मिनल फेज में क्या होगा बेटा, धीरे धीरे करके ये जो ब्लीडिंग है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ऑन द फोर्थ और द फिफ्थ डे क्या होगा, जो ब्लीडिंग की जो फ्लो है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज हो जाएगी। इनिशियल स्टेज में ज्यादा रहेगी, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पे फोर्थ टू फिफ्थ डे ये डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ बेटा, बिकॉज ऑफ हॉर्मोनल चेंजेस। हमारी बॉडी में जो सारी प्रोसेस हो रही है वो क्यों हो रही है बेटे, हॉर्मोन्स कर रहे हैं, ठीक है। हमारी नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर सारी चीजें करती है कंट्रोल्ड मैनर में, ठीक है। सो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, आपको दिमाग में ऐसे साइकिल की फॉर्म में ही याद रखना है, तभी आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको फ्लो में याद रहेगा कि पहले क्या हुआ बेटा, हॉर्मोन्स डिक्रीज हो गए, कॉर्पस अल्बिकान्स
ओवरी में धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा और यूटेरस में एंडोमेट्रियम वजाइनल फ्लो के थ्रू बाहर निकलने लगा और ब्लड सप्लाई हमने कम कर दी क्योंकि हमें जरूरत नहीं है एंडोमेट्रियम की। और जैसे जैसे क्या हुआ आगे आगे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ने सिग्नल पास किया और जिसकी वजह से ये जो हॉर्मोन्स उसकी लेवल बढ़ गई। अभी लेवल बढ़ने की वजह से जो प्राइमरी फॉलिकल्स थी ओवेरी में वो सेकेंडरी फॉलिकल बनाने लगी। फिर यूट्रस में क्या हुआ बेटा ब्लीडिंग की रेट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी। क्लियर है बेटा इतना? अभी क्या होगा अभी नेक्स्ट फेज आएगा। ठीक है ब्लीडिंग फेज यहाँ पे खत्म क्योंकि वो 4 to 5 days का ही था। अभी सेकेंड फेज आएगा दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है अभी हम क्या करते हैं बेटा वो जो सेकेंड फेज था उसके बारे में देख लेते हैं। ओके ओके बेटा सो यहाँ पे आप देख लो सेकेंड फेज दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज और उसके जो दूसरे टर्म्स है फॉलिक्यूलर प्री ओव्यूलेटरी वो सारे टर्म आपको याद रखने हैं। ठीक है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं हॉर्मोनल चेंजेस देन ओवेरियन चेंज एंड यूटेराइन चेंज वही तीन चीजें हमें ये वाली फेज में भी पढ़नी है। ठीक है बेटा सो इनिशियल चेंज में इनिशियल जो स्टेज है उसमें कौन सी इवेंट्स रहती है पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रोलिफरेटिव फेज है वो 6th डे से स्टार्ट होके 14th डे तक रहता है। ठीक है फर्स्ट 5 days यानी मेंस्ट्रुएशन फेज अभी जो नेक्स्ट फेज है दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज वो जो 6th डे से स्टार्ट करके 14th डे तक रहेगा। ठीक है अभी इनिशियल जो स्टेज है उसमें कौन से चेंजेस रहते हैं वो अभी मैं आपको बताती हूँ। सो इन विच द फर्स्ट इज हॉर्मोनल चेंजेस। ठीक है वो जो मेंस्ट्रुअल जो फेज था मेंस्ट्रुएशन का ब्लीडिंग फेज उसका जो टर्मिनल चेंज था यानी कि 5th डे पे वो आपको अभी दिमाग में रखना है। वहां पे टर्मिनल चेंज क्या हुआ था बेटा ब्लीडिंग फेज में सारे जो हॉर्मोन्स थे GnRH FSH एंड LH उसकी लेवल बढ़ गई थी। ठीक है क्योंकि इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ने हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल पास किया था याद है। सो अभी क्या होगा 6th डे पे जबकि प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है GnRH की लेवल बढ़ गई। ठीक है FSH की लेवल बढ़ गई क्योंकि इसने सिग्नल दिया था LH की लेवल बढ़ गई। ठीक है ये तीनों हॉर्मोन की लेवल बढ़ गई होगी। अभी क्या होगा बिकॉज ऑफ FSH एंड LH इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा इनिशियल स्टेज में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा प्रोजेस्टेरोन का लेकिन इस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ FSH एंड LH। ध्यान रखना बेटा इनिशियल स्टेज की बात कर रही हूँ प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल बढ़ेगा लेकिन टर्मिनल स्टेज में। आपको याद है बेटा मैंने आपको बताया था कि जो फॉलिकल्स रहती है उसके जो लेयर्स में जो सेल्स रहते हैं थिकल सेल्स एंड ऑल वो इस्ट्रोजन रिलीज करते हैं याद है। तभी मैंने ऐसा नहीं बताया था कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते हैं इनिशियल स्टेज में इस्ट्रोजन उसके बाद वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है इतना दिमाग में रखना। सो इनिशियल स्टेज में GnRH हाई होगा FSH हाई होगा LH भी हाई होगा और इस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस हॉर्मोन्स लेकिन प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा नहीं। क्लियर है बेटा। अभी ओवेरी में क्या चेंजेस होंगे लास्ट में क्या था बेटा सेकेंडरी फॉलिकल हमने बना दी थी ब्लीडिंग फेज के जो 5th डे पे अभी उसमें से सेकेंडरी फॉलिकल बन गई थी। अभी ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो डेवलप होना स्टार्ट करेगी और क्या बना देगी इमेच्योर टर्शरी फॉलिकल। ठीक है टर्शरी फॉलिकल वो अपनी जो इनिशियल स्टेज में यानी कि इमेच्योर टर्शरी फॉलिकल बनाना स्टार्ट कर देगी कौन बेटा सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज
क्या होगा बेटा? सेकेंडरी फॉलिकल में से टर्शरी फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको मालूम है बेटा टर्शरी फॉलिकल में क्या प्रेजेंट रहता है? सेकेंडरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट प्रेजेंट नहीं रहेगा, यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइट प्रेजेंट होगा। क्लियर है बेटा इतना? ओके। अभी ओवेरियन चेंज हमने देख लिया कि टर्शरी फॉलिकल चलो बन गई है, सेकेंडरी ऊसाइट उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। फिर वो जो कैविटी रहती है एंट्रम वो बनेगी, ठीक है, वो सारी बातें आपको मालूम है। अभी यूटेराइन चेंज, यूटरस में कैसे चेंजेस आएंगे? यूटेराइन ब्लीडिंग स्टॉप्ड, ठीक है। वो जो ब्लीडिंग हो रही थी, वजाइनल फ्लो जो हो रहा था वो कम हो गया था टर्मिनल ब्लीडिंग फेज में, वो अभी इनिशियल प्रोलिफरेटिव फेज में स्टॉप हो जाएगा, यानी कि अभी ब्लीडिंग जो है वो रुक गई है। क्लियर है बेटा इतना? ठीक है। सेकेंड दैट इज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। अभी ये क्या है बेटा? कहीं पे भी आप हाइपरप्लेसिया टर्म पढ़ो सो उसका क्या मीनिंग होगा बेटा? हाइपर यानी इंक्रीज, प्लेसिया हाइपरप्लेसिया यानी इंक्रीज इन सेल नंबर। अभी यहाँ पे एंडोमेट्रियम जो है वो अपने सेल्स को, सेल्स के जो नंबर है बिकॉज ऑफ माइटोसिस वो बढ़ा देगी, ठीक है। वो डैमेज हो गई थी एंडोमेट्रियम, डेड एंडोमेट्रियम जो कि रिलीज हो गया था। डेड एंडोमेट्रियम के लिए हमने एक टर्म पढ़ा था दैट इज स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ठीक है, वो रिमूव हो गया था मेंस्ट्रुअल फ्लो में। अभी क्या होगा? एंडोमेट्रियम के जो सेल्स थे, सेल्स होंगे, ठीक है, वो अपने नंबर बढ़ा देंगे। अभी आप बोलोगे कि एंडोमेट्रियम तो रिलीज हो गया था, फिर उसने कैसे अपने नंबर बढ़ाए? बेटा यहाँ पे ध्यान दो, एंडोमेट्रियम जो है उसके दो लेयर्स रहते हैं। कितने? दो लेयर्स। पहले एंडोमेट्रियम है यूटेराइन वॉल में, देन मायोमेट्रियम, देन पेरीमेट्रियम, ऐसा है बेटा, आपको मालूम है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे एंडोमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम, देन पेरीमेट्रियम, ऐसा है। अभी एंडोमेट्रियम जो है उसमें भी दो लेयर्स रहते हैं, एंडोमेट्रियम में भी दो लेयर्स रहते हैं, उसमें भी जो इस तरीके से दो लेयर्स है, उसमें भी जो बाहर वाला ये जो लेयर है दैट इज स्ट्रेटम फंक्शनलिस। कौन सा है बेटा? स्ट्रेटम फंक्शनलिस। और जो इनर का जो लेयर रहता है दैट इज स्ट्रेटम बेसालिस, ठीक है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। एंड जो ये जो लेयर है स्ट्रेटम बेसालिस, ठीक है, ये जो है दैट इज स्ट्रेटम फंक्शनलिस, देन कम्स स्ट्रेटम बेसालिस, देन कम्स मायोमेट्रियम, देन पेरीमेट्रियम, ठीक है। सो क्या होता है बेटा, अच्छे से ध्यान दो, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो ये जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है वो रिमूव हो जाता है और सेकेंडरी ऊसाइट के साथ ब्लीडिंग में चला जाता है, ठीक है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। लेकिन स्ट्रेटम बेसालिस अभी भी प्रेजेंट है एंडोमेट्रियम का, ठीक है, इनर साइड का जो लेयर है। सो क्या होगा कि स्ट्रेटम बेसालिस जो है उसके जो सेल्स होंगे, ये जो लेयर किससे बना होगा? सेल्स से ही बना होगा। सो स्ट्रेटम बेसालिस के जो सेल्स है वो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दिस सेल स्टार्ट टू डिवाइड, ठीक है। और क्या होगा कि इस सेल की डिवीजन की वजह से यहाँ पे दूसरा स्ट्रेटम फंक्शनलिस का फॉर्मेशन होगा। कब होगा? इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, यानी कि अभी स्ट्रेटम बेसालिस के जो सेल्स है वो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और क्या बना देंगे बेटा? स्ट्रेटम फंक्शनलिस का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि स्ट्रेटम फंक्शनलिस रिमूव हो गया था मेंस्ट्रुअल फ्लो में, ठीक है। सो अभी ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि यूटेराइन ब्लीडिंग तो स्टॉप हो गई है, अभी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, यानी कि हाइपरप्लेसिया का मीनिंग है बेटा सेल के नंबर बढ़ाना, ठीक है। सो यहाँ पे एंडोमेट्रियम की जो वॉल है
उसमें सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है बेटा, स्ट्रेटम फंक्शनलिस का फॉर्मेशन। क्लियर है बेटा, जो आउटर लेयर है वो बन रही है, ठीक है। और आपने कहीं पे अगर पढ़ा है सो आप ध्यान देना बेटा, हाइपरप्लेसिया और कैंसर जो है वो दोनों अलग टर्म है। कई सारे बच्चे जिसने कैंसर के बारे में पढ़ा है वो हाइपरप्लेसिया और कैंसर में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हाइपरप्लेसिया ऐसी कंडीशन है जिसमें इसके जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंटिन्यू अगर ऐसी कंडीशन रही जिसमें कंटिन्यू हाइपरप्लेसिया ही है, देन इट विल लीड टू कैंसर, यूटेराइन कैंसर, ठीक है। ये सारी बातें अभी आपको नहीं आ रही, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए बेटा बेटा कि यहाँ पे इस्ट्रोजन का लेवल हाई है एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो है, जिसकी वजह से यहाँ पे एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो अनइवन वे में, यानी कि फिक्स नहीं है, ठीक है। अनइवन वे में अपनी जो लेयर है, अपने जो सेल नंबर है वो बढ़ा रही है, ठीक है। लेकिन कई सारी फीमेल में क्या होता है बेटा, बिकॉज ऑफ दिस फूड हैबिट एंड ज्यादातर मेनोपोज के टाइम पे ऐसा होता है कि यूटेराइन क्या रहता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कंटिन्यू डाउन रहता है और एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ये जो हाइपरप्लेसिया जो हो रहा है वो बढ़ जाता है, यानी कि ये जो हाइपरप्लेसिया ज्यादा टाइम तक रहता है, ठीक है। और देन क्या होता है बेटा, कैंसर की कंडीशन आती है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी बेसिक मालूम हो तो अच्छा है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई बेटा, हॉर्मोनल चेंजेस, ओवेरियन चेंजेस एंड यूटेराइन चेंजेस, क्लियर बेटा, ओके। अभी टर्मिनल स्टेज की हम बात कर लेते हैं। सो उसमें क्या होता है बेटा, एस्ट्रोजन की लेवल हाई है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन है वो भी हाई है, FSH हाई है, LH हाई है, ठीक है। सारे जो हार्मोन्स है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है। अभी क्या होगा बेटा, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन डाउन था, लेकिन यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। फोलिकल के जो सेल्स है वो प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करेंगे, यानी कि टर्मिनल स्टेज होगा जब प्रोलिफरेटिव फेज का, तब प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बढ़ेगा, क्लियर है बेटा इतना, ओके। अभी 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते करते हम किस ओर जा रहे हैं बेटा, 14th डे तक। और आपको याद है बेटा कि 14th डे पे क्या होता है बेटा, ओव्यूलेशन होता है, ग्राफियन फोलिकल जाके रप्चर हो जाती है। ये सारी बातें आपको याद और दिमाग में रखनी है, ठीक है। यानी कि अभी कैसे चेंजेस आएंगे, ऐसे चेंजेस आएंगे कि जिससे ओव्यूलेशन बढ़े, यानी कि ओव्यूलेशन स्टिम्यूलेट हो, ऐसी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपको मालूम है कि होना क्या चाहिए, ठीक है। अभी सो ये होने के लिए अभी क्या होगा कि ऐसी सारी चीजें होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख लो कि ऊजिनेसिस बढ़ेगा, ऊजिनेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टिम्यूलेट होगी, ठीक है। सेकेंडरी ऊसाइट वाली जो और मेटाफेज मेटाफेज में अरेस्ट रे होगा, ठीक है। यहाँ पे देन क्या होगा कि प्रोटीनाइटिक एंजाइम की एक्टिविटी, यानी कि कोलेजिनस और ऐसे सारे एंजाइम्स है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो थिका एक्सटर्नल जो लेयर है आपको याद है बेटा, थिका एक्सटर्नल जो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना था, उसकी क्या हो जाएगी बेटा, वीकनिंग हो जाएगी, क्योंकि अभी ग्राफियन फोलिकल को हमें रप्चर करनी है, ठीक है। अभी आपको कैसे मालूम है ना कि अभी आप देखते हो कई सारे सीरियल्स एंड आपको मालूम ही हो जाता है कि अभी ऐसा दिखा रहे हैं अभी ऐसा ही होगा, मूवी में ऐसा दिखा रहे हैं ऐसा ही होगा, ठीक है। सो उसी तरीके से यहाँ ऐसी कंडीशन आ रही है कि अभी ग्राफियन फोलिकल रप्चर ही होगी, यानी कि ओव्यूलेशन ही होगा।
अभी डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया ऑफ ओवरी, ओवरी की जो ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया की जो लेयर है उसमें भी डिस्टर्बेंस आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है बेटा ग्राफियन फॉलिकल ओवेरी के ओवेरी जब रहती है, ओवेरी जो उसमें ग्राफियन फॉलिकल एक साइड पे जाके फिर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है, लेकिन ओवेरी की वॉल भी डिस्टर्ब होती है, तभी वहां से एक सेल ओविडक्ट में जा पाएगा। क्लियर है बेटा? सिर्फ ग्राफियन फॉलिकल रप्चर नहीं होती, ठीक है। फिर ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया की जो लेयर होगी वो भी डिस्टर्ब होगी, यानी अभी क्या होगा बेटा, फाइनल अभी स्वेलिंग हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी ग्राफियन फॉलिकल एंड इट विल लीड टू ओव्यूलेशन। फाइनली जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमें जो कि चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन हमारे दिमाग में थी कि 14th डे पे क्या हो रहा है बेटा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज में, ये सारे चेंजेस आपको दिमाग में रखने हैं, कुछ टफ नहीं है बेटा, ठीक है। अब कंडीशन आपको एक बार दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि साइकिल है, चलो इसके बाद ऐसा ही होगा, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो हमने हार्मोनल चेंजेस तो देख ही लिए कि ऐसे सारे चेंजेस आते हैं, प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ जाता है, ठीक है, और इसके साथ साथ ओवेरियन चेंज भी देख लिए कि ओवेरी में कौन से चेंजेस रहते हैं, ठीक है। हमने देख लिया कि ओवेरी की वॉल डिस्टर्ब होती है एंड ऑल, ठीक है। अभी और क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। अभी यूटरस में कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है, यूटेराइन वॉल में कैसे चेंजेस आते हैं, थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल अभी क्यों ठीक हुई बेटा, वेरी गुड, क्यों ठीक हुई मुझे मालूम है, आपके दिमाग में आ गया, क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन होगा तो इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा बेटा, एंडोमेट्रियम पे ही होगा, यानी कि अभी क्या हो रहा है बेटा कि एंडोमेट्रियम जो है वो प्रिपेयर हो रही है, ठीक है, यानी कि थिकनेस जो यूटेराइन वॉल की थी वो अभी इंक्रीज हो गई, ठीक है। मायोमेट्रियम हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी यानी किसी भी लेयर की जब साइज इंक्रीज होती है, हाइपरप्लेसिया यानी इस सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं, हाइपरट्रोफी यानी कि साइज इंक्रीज होती है। एंडोमेट्रियम की तो चलो साइज बढ़ गई, अभी मायोमेट्रियम की भी क्या होने लगी बेटा, साइज इंक्रीज होने लगी। एंडोमेट्रियम की साइज कैसे बढ़ी थी, दोनों में डिफरेंस है बेटा, देख लो यहाँ पे, एंडोमेट्रियम में सेल नंबर इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ था, दूसरी लेयर जो कि बाहर की लेयर थी स्ट्रेटम फंक्शनलिस वो फॉर्म हो गई थी, ठीक है। और अभी मायोमेट्रियम जो है उसकी क्या हो गई, यहाँ पे हाइपरट्रोफी यानी कि मायोमेट्रियम की जो लेयर थी उसकी साइज इंक्रीज हो गई, ठीक है। मायोमेट्रियम ने भी अपनी साइज बढ़ा ली, यानी कि सब लोग, सब जो लोग नहीं, सब ये जो चीजें हैं, ठीक है, पार्ट्स है यूट्रस के, वो अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी जो क्या डिजायरेबल प्रोसेस है इम्प्लांटेशन की, यानी कि अभी ये सारी चीजें प्रिपेयर हो रही है क्योंकि इम्प्लांटेशन होने की वजह से, क्योंकि अभी इम्प्लांटेशन हो सकता है, फर्टिलाइजेशन की इवेंट हो सकती है, ठीक है। सो ये सारी चीजें अभी प्रिपेयर हो रही है, ठीक है, फॉर दी इम्प्लांटेशन। अभी यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज खत्म होता है, ऑन दी 14th डे ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो गई, ठीक है। अभी क्या होगा बेटा कि ओवेरी में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड कंडीशन में है, अभी आपको दिमाग में रखना है आगे से कि अभी आपको मालूम होना चाहिए कि ग्राफियन फॉलिकल में से कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो ये सारी चीजें अभी हम नेक्स्ट फेज यानी कि सिक्रीटरी फेज में हम पढ़ते हैं, क्लियर ये सारी बातें बेटा अच्छे से। अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट द फेज दैट इज सिक्रीटरी फेज, अभी हम ये वाला जो फेज है वो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है।
So here is the third phase, that is the secretory phase or last phase of the menstrual cycle, जो कि है 15 to 28 days का रहता है, ठीक है। secretory phase of the menstrual cycle, जो कि सबसे बड़ा phase है, आप देख ही सकते हो कि 15 to 28 days तक रहता है। अभी यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे भी दो stages रहेंगे, initial and the terminal stage, ठीक है। और इसमें भी हमें तीन चीजें ही पढ़नी है, hormonal change, ovarian change and uterine change, ठीक है। हमने जो हमारी ये अगली फेज थी, दैट इज दी प्रोलिफरेटिव फेज, उसका टर्मिनल जो स्टेज था उसमें हमने देखा कि कैसे हॉर्मोन्स में चेंजेस हो रहे थे, ठीक है। लास्ट टर्मिनल स्टेज में हमने क्या देखा था बेटा अभी, कि हमने देखा कि प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया था, ठीक है। एलएच का लेवल हाई था, एफएसएच का हाई था, जीएनआरएच का हाई था, ठीक है, हमने देखा था। और इस्ट्रोजन का जो लेवल रहता है बेटा वो थोड़ा सा लो हो जाता है, किसमें, टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। उसमें टर्मिनल जो स्टेज रहेगा प्रोलिफरेटिव फेज में, उसमें इस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप आ जाओ इनिशियल स्टेज ऑफ सिक्रेटरी फेज, सो यहाँ पे हॉर्मोनल चेंजेस क्या रहेंगे बेटा, कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन एफएसएच एंड एलएच का लेवल जो है, ठीक है, ये जो तीनों हॉर्मोन्स है उसका लेवल क्या हो जाएगा बेटा, डाउन हो जाएगा कंपेरेटिवली, यानी कि इतना ये डाउन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जो टर्मिनल स्टेज होगा प्रोलिफरेटिव फेज का, उसके कंपेयर में थोड़ा सा इसका जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा बेटा। और खास ध्यान देना, क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन कहाँ पे हो जाती है बेटा, हॉर्मोनल चेंजेस में ही हो जाती है। ये सारी इवेंट चलो आपको याद रह जाएगी, लेकिन हॉर्मोनल चेंजेस भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप ध्यान से पढ़ो तो ये भी याद रह जाएगी, इसकी इफेक्ट्स आपको मालूम है, फिर आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे, और कौन से सेल्स रिलीज करते हैं वो भी आपको मालूम है, ठीक है। सो यहाँ पे देख लो कि जीएनआरएच एफएसएच एंड एलएच की लेवल उतनी ही है, लेकिन थोड़ी सी जो टर्मिनल फेज रहेगा प्रोलिफरेटिव स्टेज का, उसके कंपेयर में थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, ज्यादा नहीं, ठीक है। अभी ओवरी में कैसे चेंजेस हो रहे हैं बेटा, हमने देखा कि 14th डे पे ग्राफियन फोलिकल रप्चर हो गई थी, ओव्यूलेशन हो गया था। अभी क्या होगा, ये 15th डे से स्टार्ट होगा इनिशियल फेज। अभी क्या होगा कि ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फोलिकल है वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज दी येलो बॉडी, ठीक है। कॉर्पस हेमोरेगियम भी बीच में बनेगा, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे कम स्पेस है उसकी वजह से, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है कि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, लेकिन बीच में कॉर्पस हेमोरेगियम का भी फॉर्मेशन होगा, जो कि हमने अच्छे से पढ़ा है इन द लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि रप्चर ग्राफियन फोलिकल धीरे धीरे डेवलप हो गई और उसमें से बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। अभी क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट होती रहेगी कब तक, 22nd डे तक। क्या होगा बेटा कि कॉर्पस ल्यूटियम जो बनी येलो बॉडी उसकी डेवलपमेंट होती रहेगी 22nd डे तक। और आपको मालूम है कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है बेटा, ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन एंड कम अमाउंट में इस्ट्रोजन, ये रिलीज करता है, आपको याद है बेटा हमने पढ़ा था, ठीक है। सो यहाँ पे ओवरी में इतने चेंज होंगे कि ग्राफियन फोलिकल में से कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन तो होगी लेकिन उसकी डेवलपमेंट भी होगी, कब तक, 22nd डे तक, ठीक है। अभी यूट्रस में कैसे चेंजेस आएंगे बेटा, यूट्रस में इनिशियल स्टेज में एंडोमेट्रियम जो की है वो अभी भी वेट कर रहा है, किसके लिए वेट कर रहा है बेटा, फर्टिलाइज्ड एग के लिए, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के लिए ये अभी भी वेट कर रहा है, यानी कि इसकी जो थिकनेस
है वो ये वाली स्टेज में मैक्सिमम रहेगी बेटा, ठीक है। यानी कि अभी जो फर्टिलाइजेशन हुआ देन प्रॉपर इम्प्लांटेशन अभी हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट टाइम फॉर इम्प्लांटेशन, यानी कि अभी सिक्रीटरी नेचर एंडोमेट्रियम की हाई है। इस सिक्रीटरी नेचर यानी कि एंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये मैक्सिमम अमाउंट में अपने हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम इसकी थिकनेस है, ठीक है। सो एंडोमेट्रियम इज थिकन एंड इसकी जो सिक्रीटरी नेचर है वो भी अभी हाई रहेगी, ठीक है। क्लियर है बेटा इतना। कंपेरेटिवली लो लेवल इसके, देन ग्राफियन फॉलिकल में से कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट हो गई एंड जो एंडोमेट्रियम जो है यूटेराइन वॉल उसकी थिकनेस भी बढ़ गई। अभी टर्मिनल स्टेज पे आ जाओ बेटा, क्या हो रहा है सिक्रीटरी फेज में। टर्मिनल स्टेज में आप देख लो कि प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यू बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे जैसे डेवलप होगा वो कंटिन्यूअसली हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा होगा, ठीक है। सो प्रोजेस्टेरोन की लेवल बढ़ गई और हमने अभी हमारे अगली लेक्चर में ही पढ़ा कि हाई प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से जीएनआरएच एफएसएच एंड एलएच की लेवल टर्मिनल स्टेज में डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से नेगेटिव फीडबैक देता होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जीएनआरएच एफएसएच एलएच उसकी लेवल डाउन हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या हुआ, उसकी लेवल डिक्रीज हो गई, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम तो कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर ही रहा है। अभी क्या होगा बेटा, जैसे ही 22nd डे खत्म होगा और जैसे ही 23rd डे स्टार्ट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी प्रोजेस्टेरोन का टाइम खत्म, उसका गोल्डन पीरियड अभी खत्म, ठीक है। सो अभी क्या होगा बेटा कि 23rd डे पे क्या होगा, टर्मिनल स्टेज स्टार्ट होगा और तभी कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट अभी बहुत कर ली, ठीक है। अभी क्या होगा बेटा, उसका डीजनरेट होने का टाइम आ गया, ठीक है। अभी कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज करेगा, ठीक है। फिर ये प्रोजेस्टेरोन भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया। अभी ये ही डीजनरेट हो गया, फिर प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन भी डिक्रीज हो जाएगा और इस्ट्रोजन भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इस्ट्रोजन भी कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज कर रहा था थोड़े अमाउंट में, ठीक है। सो इन दोनों हार्मोन के लेवल डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा इतना। अभी ओवरी में क्या हुआ बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहा है बेटा। सो इसका डीजनरेशन धीरे धीरे बढ़ेगा और अप टू 28th डे तक इसका जो डीजनरेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है बेटा। कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस अल्बिकांस के बीच में भी थोड़े थोड़े लेवल है, ठीक है। धीरे 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 करके कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है, फिर कॉर्पस अल्बिकांस बन जाता है, फिर धीरे धीरे करके कॉर्पस अल्बिकांस डीजनरेट होता है एंड देन इट विल डिसअपियर, ठीक है। सो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन होगा 23rd से लेके 28th डे तक, ठीक है। अभी क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस अल्बिकांस, ये धीरे धीरे डीजनरेट हो गया, अभी धीरे धीरे कॉर्पस अल्बिकान फॉर्म होगा। कॉर्पस अल्बिकांस यानी व्हाइट बॉडी, ठीक है। सारी बातें साथ साथ दिमाग में रखना बेटा, ठीक है। अभी कॉर्पस अल्बिकांस जो है, जो कि डीजनरेटिव कॉर्पस ल्यूटियम है, जो कि किसी तरीके का कोई काम का नहीं है, एक भी हॉर्मोन ये रिलीज नहीं करता, ठीक है। सो कॉर्पस अल्बिकान बन गया और अभी ये जो है किसी भी हार्मोन का रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। अभी क्या होगा बेटा, यूट्रस में, ओवेरी का तो हमने देख लिया, ठीक है। अभी यूट्रस में कौन से चेंजेस आएंगे, मायोमेट्रियल एट्रोफी, हाइपरट्रोफी हमने देखी, अभी कौन सी बारी आई एट्रोफी की, यानी कि अभी मायोमेट्रियल ने जो अपनी साइज बढ़ा रखी थी इम्प्लांटेशन के लिए, लेकिन इम्प्लांटेशन तो हुआ नहीं, फर्टिलाइज्ड एग तो आया नहीं,
यानी कि अभी मायोमेट्रियम की जो वॉल है वो धीरे धीरे अपनी साइज रिड्यूस कर देगी, जिसे बोलते हैं एट्रोफी। ठीक है, अभी देन द थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ा रखी थी, अभी ये भी क्या हो जाएगी, इसकी भी थिकनेस है कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जो स्ट्रेटम फंक्शनल इज, जो कि आउटर लेयर जो है एंडोमेट्रियम का, ओरियो कैंसर जो इनर वाला जो लेयर है, ठीक है, केवीटी के साइड का जो लेयर, वो अपनी साइज डिक्रीज कर लेगा। ठीक है, इसकी भी साइज डिक्रीज हो जाएगी, माइटोसिस अभी ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और अल्टीमेटली जो यूटेराइन वॉल है वो, उसका जो बाहर वाला लेयर है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा बेटा, ये सिक्रेटरी फेज यहाँ पे खत्म होने को आएगा। 28th डे आ गया, अभी 29th एंड द फर्स्ट डे, यानी कि ये दो दिन में नई मेंस्ट्रुअल साइकिल, नई जो साइकिल है जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं पे आके रुक गए। ठीक है, सो फिर से वहीं पे आ जाएंगे फर्स्ट डे पे और न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देख लो आप यहाँ पे। ठीक है, सो अब यहाँ पे आप देख लो कि किस है, हमने ड्रॉ करके रखा था, ये आपको अच्छे से याद है। ठीक है, सो यहाँ पे अभी सिक्रेटरी फेज हमारा खत्म। ठीक है, और इन बिटवीन दी 29 एंड दी फर्स्ट डे, यानी कि एक दो दिन में ये नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, और दी फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज ब्लीडिंग फेज, फिर से ब्लीडिंग वाली फेज आएगी। ठीक है, फिर से प्रोलिफरेटिव फेज एंड देन कम सिक्रेटरी। फिर से क्या होगा बेटा, अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ देन यहाँ से फिर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, सो इतना क्लियर हो गया बेटा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेटा कहीं पे भी आपको डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, किसी भी जगह पे हॉर्मोनल चेंज में, ओवेरियन चेंज में, यूटेराइन चेंज में, ठीक है, कहीं पे भी आपको डाउट है सो आप मुझे पूछ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इसके रिलेटेड सॉल्व करते जाओ, ठीक है, साथ में, ताकि आपको मालूम हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं। ठीक है बेटा, सो ये अपने दिमाग में ऐसा बिठा लो 1 ABC, फिर इसको लेकर चलो, पढ़ लो टेक्स्ट बुक में से, और ये लेक्चर एक बार देख लो, नोट्स बना लो। ठीक है, बहुत ईजी है बेटा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा बेटा देन क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।